मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, रैंक भी चेक कर ली होगी। जब हम इसमें देखते हैं इस बार कि जो 21 में मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डिफरेंस है वो 2020 से थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। यानी कि हम सोच रहे थे कि ये 20 मार्क्स डाउन जाएगी कट ऑफ, लेकिन ये कट ऑफ 20 मार्क्स डाउन न जाके 5 या 6 मार्क्स ही डाउन जाएगी इस बार के लिए। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, लेकिन इस बार जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो एक्यूरेट नहीं गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब ये इतने रैंक क्यों गई है इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो नीट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और इसमें अभी आगे कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि अभी तो हमारे पास रैंक अवेलेबल हो गई है, तो ये कट ऑफ क्या जा सकती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी रिजल्ट के आने के बाद में अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एमसीसी की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, तो जैसे ही ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपने रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग करवानी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने 2020 की कट ऑफ दे रखी है सभी स्टेट्स की, ऑल इंडिया की, तो इसमें आप 5 से 6 मार्क्स 2020 से डाउन करके आप देख सकते हैं आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो मार्क्स वर्सेस रैंक का 21 में इतना डिफरेंस आया है 2020 की बजाय, तो ये क्या कारण हुआ है। तो जो मार्क्स वर्सेस रैंक का जो हम कैलकुलेशन लगाते हैं वो दो फैक्टर पे काम करता है, एक तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर पर काम करता है और दूसरा होता है प्रेजेंट स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट, कितनी एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अभी हमारे पास में लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर का हम सबको मालूम है कि इस बार हाई था क्वेश्चन पेपर का लेवल, और उससे कट ऑफ डाउन तो जाएगी, चाहे वो 5 या 6 मार्क्स जाए, कट ऑफ तो डाउन जानी है। इसके बाद में जो मेन फैक्टर दूसरा है वो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट, तो जो इस बार नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट थे वो काफी ज्यादा थे, और इस फैक्टर ने पूरा का पूरा रैंक का गणित बिगाड़ दिया जो हम सोच रहे थे। वो ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको पूरा बताता हूं। तो 2020 की हम सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे कितनी अपेयर हुए थे, कितनी रजिस्टर्ड हुए थे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात करें यहां पर, तो 2020 में जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे वो 15,97,436 कैंडिडेट अपेयर रजिस्टर्ड हुए थे। इसमें अगर हम 21 की बात करें कि कितनी कैंडिडेट इसमें रजिस्टर्ड हुए थे, तो 16,14,777 कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन किया था 21 में। अब इसमें प्रेजेंट स्टूडेंट की हम बात करें, कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे 2020 में, तो वो अपेयर हुए थे 13,66,345 कैंडिडेट इसमें अपेयर हुए थे 2020 में। 21 की बात करें तो 15,44,275 कैंडिडेट इस बार अपीयर हुए थे। तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का डिफरेंस था 2020 में और 21 में वो सिर्फ 17,341 कैंडिडेट का ही डिफरेंस था, यानी कि इतने ज्यादा कैंडिडेट ने 21 में रजिस्ट्रेशन ज्यादा करवाया था। लेकिन जब हम नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट की बात करें, कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे, कितने प्रेजेंट हुए थे, वो 1,77,330 कैंडिडेट इस बार ज्यादा अपीयर हुए थे। यानी कि 2020 में 13,66,345 थे, लेकिन अब की बार 15,44,275 कैंडिडेट ज्यादा, यानी कि 1,77,330 कैंडिडेट ज्यादा अपीयर हुए थे, यानी कि वो नियर बाय 2 लाख। तो इस वजह से इस बार जो मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डिफरेंस गया है वो काफी ज्यादा हाई रही है रैंक। हम ये मान के चल रहे थे कि जब 17,341 स्टूडेंट ज्यादा इस बार रजिस्टर्ड हुए हैं तो अपेयर भी 20,000 के नियर बाई ज्यादा होंगे, लेकिन ये 1,77,330 कैंडिडेट ज्यादा अपेयर हुए हैं इस बार, इसकी वजह से ये रैंक का पूरा गणित बिगड़ गया है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये तो हो गया हमारा कि ये रैंक इस बार ज्यादा जाने का क्या कारण है।
दूसरी हम बात करते हैं इसमें कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जो हर साल रहती है, जिसमें स्टूडेंट उस कट ऑफ से ऊपर वाले स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं या फिर एब्रॉड के लिए वो प्लान करते हैं, तो इस बार जो कट ऑफ रही है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स की जो कट ऑफ रही है यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 138 मार्क्स रही है, जो पिछली बार 147 मार्क्स थी। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ ओबीसी एससी एसटी और इन्हीं की पीएच कैंडिडेट की, तो ये जो कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रही है वो 108 कट ऑफ रही है, पिछली बार 113 कट ऑफ थी। यूआरपीएच की हम बात करें तो 122 कट ऑफ रही है, पिछली बार 129 कट ऑफ थी। तो ये एक क्वालिफाइंग कट ऑफ है, इसके ऊपर वाले कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके नीचे वाले कैंडिडेट वो नीट के लिए क्वालिफाई नहीं है, वो उनको अगले साल के लिए तैयारी करनी होगी। तो ये तो हो गए क्वालिफाइंग मार्क्स। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो अभी कट ऑफ रहनी है फर्स्ट राउंड के लिए ऑल इंडिया के लिए, सेकंड राउंड के लिए वो क्या रह सकती है, तो इसका तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा राउंड वाइज कैटेगरी वाइज, क्योंकि अभी हमारे पास में रैंक अवेलेबल है तो इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मोटा मोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि जिन कैंडिडेट के 605 जनरल कैटेगरी में 605 कैंडिडेट मतलब 605 मार्क्स से जिनके अबोव मार्क्स है वो कैंडिडेट सेफ जोन में है, यानी कि जनरल कैटेगरी में 605 जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं उससे ऊपर मार्क्स हैं वो कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ जोन में है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी डाउन आएगी, तो इन सब का कैटेगरी वाइज राउंड वाइज मैं वीडियो बना दूंगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट और सेकंड राउंड में। उसके बाद एक स्टेट का भी डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि कौन से स्टेट में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये एक मोटी मोटी सी जानकारी थी इसके बारे में। अभी इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, एडमिशन शुरू हो जाएंगे, एमसीसी की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, तो जैसे जैसे ये आगे आगे अपडेट मिलती जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।